हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू व्हीलर सेफिया। फ्रेंड्स, हीरो मोटोकॉर्प ने अपने लीजेंड को रिलॉन्च कर दिया है, लीजेंड यानी करिश्मा। अगर करिश्मा की हिस्ट्री की बात की जाए तो हीरो ने होंडा के साथ मिलकर 2009 में पहली बार करिश्मा को लॉन्च किया था और इस बाइक की स्पोर्टी और टूरिंग नेचर होने के साथ साथ लोग इसे टूरिंग करना भी पसंद करते थे। ये तो था एक छोटा सा इतिहास करिश्मा का, लेकिन अब हीरो मोटोकॉर्प ने करिश्मा को दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है और एक नया टैगलाइन दिया है, द लीजेंड इज बैक। अगर बाइक के डिजाइन की बात की जाए तो ये बाइक मॉडर्न लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है। बाइक को स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है और बाइक में फुल फेयरिंग का सेटअप है। इस बाइक में ऑल LED लाइट्स और प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप है। इनफैक्ट इस बाइक में ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन ऑफ जैसे फीचर्स भी है। बाइक में आइकॉनिक टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्प्लिट सीट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए करिश्मा XMR के फ्रंट में 300mm और रियर में 240mm के पैडल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं। अगर टायर की बात की जाए तो बाइक के फ्रंट में 100x80 सेक्शन के और रियर में 140x70 सेक्शन के 17 इंच के टायर आते हैं। कंपनी ने करिश्मा को स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर डेवलप किया है। बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाते हैं। अगर इंजन की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प ने करिश्मा को ब्रांड न्यू 210 cc के 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन से लैस किया है, जो DOSC के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये इंजन 9,250 RPM पर 25.5 PS की पावर और 7,250 RPM पर 20.4 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक को 6 स्पीड ट्रांसमिशन और स्लीपर क्लच असिस्ट से लैस किया गया है। बाइक का व्हील बेस 1351 mm है। इस बाइक की सीट हाइट 810 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो इस बड़ी बाइक के लिए थोड़ा कम है। बाइक 3 कलर्स, येलो, टर्बो रेड, मैट फैंटम ब्लैक के साथ आता है। हीरो करिश्मा XMR का एक्स शोरूम प्राइस 1,72,900 है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।